हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आई वेलकम यू ऑल। टुडे आवर सब्जेक्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा डेट विल बी ऑन द थ्रेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो केन्जियन थ्योरी है उसने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, काफी सारे टूल्स दिए हैं जिसके बेसिस पे हम जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो कर सकते हैं। उसी तरह ही वन थिंग आई वॉन्ट टू एड मोर, कंप्लीट जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स जो है डेट इज अवेलेबल एट माई ऐप एडिसन, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत रिलेवेंट है जिनको क्या है कि एक ही जगह पे कन्वीनियंट के साथ क्या है कि सब कुछ अवेलेबल हो जाए, नोट्स भी अवेलेबल हो जाए, डाउट्स भी उनके वहाँ पे मिल जाए और उनको वहाँ पे कंटिन्यूशन के अंदर वीडियोज भी मिल जाए। तो ये उन बच्चों के लिए रिलेवेंट है। कोर्स का लिंक भी जो है डाटा आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन वीडियोज को आप ऑफलाइन मोड के अंदर भी देख सकते हो। बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए मैं डालती ही रहूंगी। तो सबसे पहले अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केन्जियन थ्योरी है थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। जो केन्स है, ऑब्वियसली ये जो थ्योरी है डेट इज गिवन बाय केन्स, इकोनॉमिस्ट लॉर्ड केन्स। ये एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर दी है। देखो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है। तो वहां पर इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो केन्स का ये मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल फीचर नहीं है, संतुलन जो है उस अवस्था में भी हो सकता है जब अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी अवस्था में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। ये जो थ्योरी है डेट इज बेस्ड ऑन ग्रेट डिप्रेशन इन 1930, और इनका ये मानना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। एग्रीगेट सप्लाई जो है शॉर्ट पीरियड के अंदर कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर हमने अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो वी हैव टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन शॉर्ट पीरियड के अंदर कॉन्स्टेंट होती है ऑलमोस्ट, तो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। बट डिप्रेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर इतना कीन नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट करे, तो उसके लिए सरकार को जो है निवेश करना पड़ता है। तो पब्लिक गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को भी उन्होंने हाईलाइट किया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जो है थ्रेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इन्होंने टूल्स और कंसेप्ट्स हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इट इज ए रेवोल्यूशनरी, जो केन्स की थ्योरी है इट इज ए रेवोल्यूशनरी। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स थे वो मैक्रो लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती थी वहां पे अप्लाई करते थे। तो केन्स ने कहा कि ना भाई ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो मैक्रो लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति सेव करता है तो दैट इज अ गुड थिंग, बट अगर इकोनॉमी के अंदर एवरीबॉडी इज सेविंग तो दैट इज नॉट गुड। तो जो माइक्रो के प्रॉब्लम, माइक्रो के जो प्रिंसिपल है दे आर नॉट एप्लीकेबल टू द मैक्रो मैक्रो लेवल पे, तो वहां पे मैक्रो लेवल के प्रिंसिपल्स ही अप्लाई करने पड़ेंगे। उसी तरह उन्होंने साथ में ये भी बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है नॉर्मल फीचर नहीं है, इक्विलिब्रियम जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी पॉसिबल है और वहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए, और जो प्लान सेविंग है वो प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। केन्स ने बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस को डायनेमिक फॉर्म के अंदर स्टडी किया। उन्होंने एक कंसेप्ट एक्सपेक्टेशन का भी बताया कि जिसकी वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से ही क्या होता है कि जैसे मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी है, सारे इससे प्रभावित होते हैं। जब हम निवेश भी करते हैं तो उसके पीछे भी ये लॉजिक होता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और हमारी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। काफी सारी उन्होंने नए कॉन्सेप्ट्स दिए जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मल्टीप्लायर, प्रोपेंसिटी टू सेव, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एक्सेंट्रिक सेव इन्वेस्टमेंट जो है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक डेफिनेट पर्पस को लेके इन्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे ये भी कहा कि ये एक्सेंट्रिक सेविंग और एक्सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट जो होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। और यहाँ पे ये भी एक रियलिस्टिक अजम्पशन थी कि सेविंग जो है इनकम के ऊपर डिपेंड करती है और जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट, कि जब हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो है तो ज़्यादा निवेश करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसी के साथ ही क्या है कि हम उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, हमारी अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो हम निवेश करते हैं।
उसी तरह जो जो है दैट इज द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट. देखो इन्होंने मल्टीप्लायर का एक कंसेप्ट यहाँ पे बताया कि जब हम निवेश करते हैं तो उसके अंदर कई गुना इजाफा जो होता है इनकम के अंदर होता है, दैट इज ट्रू ड्यू टू द मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर. तो उसी के अंदर ही ये जो यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया कि किस जब इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो किस तरह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, और बहुत ज्यादा गुना चेंजेस आती हैं. तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई. उसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि जो मॉनेटरी थ्योरी है उसको भी काफी डिवेलप किया, उसको भी क्वांटिटी ऑफ मनी जो है उसका आउटपुट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, प्राइस लेवल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है. मॉनेटरी थ्योरी को उन्होंने वैल्यू थ्योरी के साथ जोड़ा, और उसी तरह ही उन्होंने मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी दिया. उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है इनका आपस में क्या रियल फैक्टर और मॉनेटरी फैक्टर का आपस में क्या रिलेशन होता है उसको भी हाईलाइट किया. उसी तरह जो है बेसिकली इन्होंने एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी दिया जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का मतलब होता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट उस रेशियो से हमारी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती. जिस जैसे मान लो 100 से डबल हो जाती है तो कंजम्पशन डबल नहीं होती, कंजम्पशन इंक्रीज होती है, बट कंजम्पशन के अंदर जो चेंज होती है डेट इज लेस देन दी इंक्रीज इन इनकम.